हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विवेक अवस्थी व्लॉग्स। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे डलहौजी के बारे में। हिमाचल प्रदेश में है, कैंटोनमेंट एरिया है। तो व्लॉग स्टार्ट करें उसके पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए ट्रैवल व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डलहौजी के बारे में व्लॉग। डलहौजी दोस्तों दिल्ली से 560 किलोमीटर दूर है, करीब 11 घंटे की ड्राइव है। अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो पठानकोट रेलवे स्टेशन तक जा सकते हैं, वहां से करीब 80 किलोमीटर है। तो अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं तो अंबाला, अंबाला से लुधियाना, लुधियाना से जलंधर, जलंधर से पठानकोट और पठानकोट से डलहौजी। डलहौजी का नाम डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी जो हमारे यहाँ गवर्नर जनरल थे 1848 से लेके 1856 तक, और उनके नाम पे इस हिल स्टेशन का नाम पड़ा। यहाँ पे कॉलोनियल टच है, आपको ब्रिटिश कॉलोनी का लुक मिलेगा। चर्चेज में एक कपड़ा फेमस चर्च है, उसके बारे में बताऊंगा आपको। पहले हम साइट सीइंग पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जो मेन अट्रैक्शन है डलहौजी का वो है खजियार। 21 किलोमीटर दूर है डलहौजी से, और उसको मिनी स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं। एक खजियार लेक है वहाँ पे, छोटी सी लेक है, एक्चुअली मार्शी लैंड है वो, उसको वेट लैंड बोलते हैं। लेक में पानी जो है वो पूरा आसपास के पहाड़ों का बहके भी आता है, उसके नेचुरल सोर्सेज भी, क्योंकि उसमें सर्टेन लिमिट से नीचे कभी पानी जाता नहीं गर्मियों में भी, और वो दलदल है एक तरह से। उसके पास में वॉच टावर बनाया गया है, दो पॉइंट्स बनाए हैं, वुडन ब्रिज है, उसके ऊपर से देखना होता है। वैसे आपको जाना नहीं होता क्योंकि थोड़ा कीचड़ सा होता है और दलदल टाइप का है, लेकिन उसमें मछलियाँ भी हैं। पानी थोड़ा सा काला काला सा है लेकिन मछलियाँ आपको दिख जाएंगी उसमें। और आसपास पूरा मेडो है, स्विट्जरलैंड बोलते हैं कि एक लंबा सा मेडो है, उसके बीच में वो लेक है, चारों तरफ देवदार के घने जंगल हैं और उसके पीछे पहाड़ियाँ नजर आ रही होती हैं। खजियार का नाम खजियार क्यों पड़ा? खजी नाग टेम्पल है, नाग देवता का टेम्पल है बिल्कुल। जो लेक तो श्रिंक हो चुकी है, उसके पास जो मेडो है और मेडो के किनारे ही नाग देवता का टेम्पल है, वहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। उसके पास में बाकी कुछ रेस्टोरेंट बन गए हैं और उसके पीछे साइड कुछ ईटिंग पॉइंट, ढाबे वगैरह भी हैं। वहाँ पे आप हॉर्स राइडिंग भी इंजॉय कर सकते हैं, जॉर्बिंग भी कर सकते हैं। कुछ रैबिट वाले घूम रहे होते हैं कि रैबिट 20 रुपये लेके आपको फोटो खिंचवा ली, एक पूरा पिकनिक का एटमोसफेयर होता है। आप अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप आसपास नेचर वॉक भी कर सकते हैं, उसके किनारे रोड जा रही है। तो ये खजियार का ऑप्शन हो गया। इसके साथ खजियार के साथ एक ऑप्शन क्लब हो जाता है अगर आप ट्रैकिंग पसंद करते हैं, तो वो है डायन कुंड। यहाँ से एक घंटे की ड्राइव है चोत पास, और वहाँ से 4 किलोमीटर का ट्रैक है डायन कुंड का। डायन कुंड पीक पे जा सकते हैं, बड़े अच्छे व्यूज आते हैं वहाँ से, लेकिन वो तब जब आप ट्रैकिंग पसंद करते हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है चमेरा लेक। चमेरा लेक आर्टिफिशियल लेक है और चमेरा डैम से बनी हुई है, रावी नदी के ऊपर डैम बना हुआ है चमेरा डैम, और इसमें बोटिंग भी आप कर सकते हैं, शिकारा राइड भी कर सकते हैं, और साल भर पानी रहता है क्योंकि डैम है। तीसरा ऑप्शन है काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये करीब 30 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, हिमालयन ब्लैक बेयर के लिए फेमस है, बाकी और भी जानवर हैं इसमें, और आप अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं, कुछ बैरियर पे पर्ची कटती है, और जानवर दिख गया तो अच्छी बात है, नहीं तो जंगल इतना खूबसूरत है कि आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद में एक ऑप्शन है पंच पुला। पंच पुला जैसे नाम से है, 5 पुल 5 ब्रिजेस, और ये वाटर पॉइंट है डलहौजी का। पूरे डलहौजी की वाटर पॉइंट, जितना वाटर सप्लाई है यहीं से होता है। यहाँ कई सारी वाटर स्ट्रीम झरने आके मिल रहे हैं। एक सरदार अजीत सिंह जी का मॉन्यूमेंट भी है वहाँ पे, उसके पीछे ही एक आर्टिफिशियल लेक बनी हुई है, उसमें बोटिंग भी कर सकते हैं, बच्चों के लिए बाउंसी वगैरह इस तरह का एटमॉस्फेयर रहता है, जिप लाइन हो रही होती है बड़ी 1 किलोमीटर और छोटी 500 मीटर 200 मीटर, ऐसी जिप लाइन भी हो रही होती है। मॉनसून में तो कई सारे वाटरफॉल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, आप थोड़ी दूर चढ़ के जाएंगे वाटरफॉल, उसके रास्ते में थोड़ी दूर पहले ही 7 धारा बोलते हैं, उसमें एक वाटरफॉल, उसमें 7 स्ट्रीम्स अलग अलग बहती दिखती है, और जितने यहाँ के पानी इनकी मेडिसिनल वैल्यू है क्योंकि सल्फर का टच है इसमें, तो पानी अच्छा भी माना जाता है।
और उसके अलावा एक पिकनिक एटमॉस्फेयर, खाने पीने के रेस्टोरेंट्स हैं, आप यहाँ एक थोड़ा क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। यहीं से एक दूसरा पॉइंट क्लब हो जाता है फिर, अगर आप ट्रैकिंग लवर हैं तो उसको बोलते हैं गंजी पहाड़ी। गंजी पहाड़ी क्यों बोलते हैं, क्योंकि बारकोटा हिल्स हैं, पूरा देवदार के घने जंगल से कवर्ड हिल्स हैं, लेकिन उसका एक सर्टेन एरिया है बिल्कुल बाल्ड है, पूरा गंजा है, इसलिए बोलते हैं गंजी पहाड़ी। 5 किलोमीटर का ट्रैक करके आप जाएंगे तो वो एक तो वो पूरा एरिया आपको मिल जाएगा बिना फॉरेस्ट का, व्यूज़ आते हैं, फिर दूर दूर तक व्यूज़ नज़र आते हैं, लेकिन वो तब जब आप ट्रैकिंग लवर हैं तो। उसके अलावा सेंट फ्रांसिस चर्च है, सुभाष चौक के पास में बना हुआ है, 1894 में बनाया था आर्मी, सिविल ऑफिसर्स और सिविलियंस ने मिलकर, ब्रिटिश आर्किटेक्चर के हिसाब से बना हुआ है, जैसे चर्च होते हैं उस हिसाब से चर्च है, देखने लायक। और इसके पास में इसके जो प्रीस्ट है उनका बंगला बना हुआ है, उसको लोकल लोग बोलते हैं लंबे चोले वाले पादरी की कोठी। इसके अलावा जो हिल स्टेशन पर होता है मॉल रोड, यहाँ का मॉल रोड बहुत छोटा है, गांधी चौक के पास में है, मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन गांधी चौक है, पास में मॉल रोड है, नैरो मॉल रोड है, कोई ज़्यादा चौड़ी नहीं है, फिर भी शॉपिंग का सामान मिल जाता है आपको, गोलगप्पे, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, खाने पीने चाट पकौड़ी, इस तरह के आइटम, खाने पीने के ढाबे, रेस्टोरेंट और ख़रीदने का सामान। बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, एक नैरो लेन में है, लेकिन मॉल रोड है। तो दोस्तों ये थी डलहौजी के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। मिनिमम 2 नाइट के लिए तो आप जाएं, क्योंकि एक नाइट आप जब आप इतना लंबा 10 से 11 घंटे की आप ड्राइव करके जा रहे हैं दिल्ली से, तो मिनिमम 2 नाइट होने चाहिए यहाँ पे। तो दोस्तों फिर अगले ब्लॉग में फिर दोबारा मुलाकात होगी आपसे, तब तक मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।